विद्यार्थी मित्रों और मेरे साथी शिक्षक मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। एनाटॉमी ऑफ द स्टमक के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्क्रीन पे जैसे कि आप देख रहे हैं, स्टमक जो है वो दिखाया गया है। तो पहली जो बात है कि भाई जो शेप ऑफ द स्टमक जो है उसका शेप अगर आप देखेंगे तो जे शेप है ना। कैसा बनता है ये जे शेप है। और ये स्टमक है क्या स्टमक क्या है? तो जीआई ट्रैक का एनलार्जमेंट है। जीआई ट्रैक देखिए यहाँ पे क्या ईसोफेगस आया था, ठीक है, और पीछे आप जानते हैं कि भाई जो डियोडिनम है वो है। तो ईसोफेगस और डियोडिनम के बीच में जो जीआई ट्रैक है उसका एनलार्जमेंट है स्टमक। और ये स्टमक जो है वो कहाँ पे है? तो आप देख सकते हैं ये जो है ये डायफ्राम दिखाया है, ठीक है, ये आप देखोगे ध्यान से तो ये है डायफ्राम। तो डायफ्राम के नीचे और जो हमारा एब्डोमेन है उसमें ये जो स्टमक है वो सिचुएटेड है, लोकेटेड है, ठीक है। चलिए तो पहला जो पॉइंट है उसकी हम बात करते हैं। देखिए ये जो फिगर है, छोटा सा फिगर, इसमें भी आप देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है, छोटा सा है लेकिन काम का फिगर है कि स्टमक जो है उसमें कितने रीजन हैं। तो चार रीजन दिख रहे हैं, अलग अलग कलर में दिखाए हैं, ठीक है, ध्यान से देख लेते हैं। लेक्चर में जितने भी फिगर्स आएंगे, लेक्चर छोटा है, साथ ही थियरी के पॉइंट हैं, लेकिन जितने भी फिगर्स मैं आपको दिखाऊंगा ध्यान से देखना, सारे जो नाम हैं वो याद करने की कोशिश करेंगे। तो हम बात कर रहे थे जो स्टमक है, स्टमक जो है उसमें चार रीजन है, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। शुरुआत कर रहे हैं, ये जो फिगर है ये भी आप ध्यान से देखना, सारे नाम, ठीक है, सभी नाम याद करने ही हैं। ये फिगर जो है वो भी आपको करना है, ठीक है। देखिए पहला जो पॉइंट है एनाटॉमी ऑफ द स्टमक में, ठीक है, देखिए स्टमक जो है उसमें हमने अभी देखा कि उसमें चार प्रमुख विस्तार हैं। तो स्टमक के जो विस्तार हैं इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं कार्डिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं बता देता हूँ आपको, ये जो पार्ट है ये पार्ट हो गया कार्डियक पार्ट, ठीक है। फिर फंडस, फंडस ऑफ स्टमक, तो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया फंडस। उसके बाद में बॉडी, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, लिखा ही है बॉडी और ये डॉटेड लाइन, ठीक है। तो इतना जो है ये हो गया बॉडी। और चौथा जो है पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। तो बॉडी के बाद में इतना जो है, इतना जो पार्ट है ये पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। अब कार्डिया जो है वो क्या है? देखिए कार्डिया की हम बात कर रहे हैं, कार्डिया क्या है? तो सराउंड द सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द स्टमक। यहाँ पे ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस ओपन हो रही है स्टमक में, तो ये स्टमक का यहाँ पे ओपनिंग है, ठीक है। तो ये ओपनिंग के आसपास का जो विस्तार है उसी को हम कार्डिया कहते हैं। तो क्या लिखा है? कार्डिया सराउंड्स द सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द स्टमक। ये देख लीजिए आप, मैं पूरा जो फिगर है वो आपको दिखा देता हूँ, तो अच्छे से देख लेना, ठीक है। सारे जो नाम हैं आपको याद करने हैं, बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, तो ये फिगर अच्छे से देख लेना, तो आपको पूरा लेक्चर है इसी फिगर में, इसे ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है उस पर आते हैं, देख लीजिए, ठीक है। दूसरे पॉइंट में
फंडस की हम बात कर रहे हैं। फंडस क्या है? तो राउंडेड पोर्शन सुपीरियर टू द लेफ्ट ऑफ द कार्डिया इज द फंडस। पहले कार्डिया कहाँ है वो देखते हैं, ये डॉटेड लाइन से ये है कार्डिया, ठीक है। इसके ऊपर वाला ये पार्ट जो गोल है और उसके लेफ्ट साइड पे है कार्डिया के, तो इसको क्या कहते हैं, इस पार्ट को इसको कहते हैं फंडस, ठीक है। फिगर जो है मैं दिखा देता हूँ, अच्छे से देख लेना ये फिगर भी, सारे जो नाम है, ठीक है, सारे नाम अभी से याद करना चालू कीजिए, जैसे लॉन्जिट्यूडनल लेयर है, सर्कुलर लेयर है, सेरोजा, आने वाले लेक्चर्स में हम इन सभी की बात करने वाले हैं, लेकिन आप अभी से आपका प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे पूरा फिगर हमने देखा, ठीक है। चलिए अब जो तीसरा जो पॉइंट है उसके पहले एक और जो फिगर है वो, इसके भी सारे नाम याद करना, ठीक है। अब तीसरा जो है फिगर, तीसरा जो पॉइंट है उसकी हम बात करते हैं। अब क्या लिखा है, इन्फीरियर टू द फंडस, फंडस के नीचे, लार्ज यानी बड़ा, सेंट्रल यानी जो केंद्र में है वो। तो फंडस के नीचे का बड़ा जो मध्यस्थ या तो केंद्र में जो भाग है उसको, ठीक है, क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। तो ये रहा है ना बीच वाला बड़ा पार्ट, इसको बॉडी कहते हैं। तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा जो पॉइंट है देखिए, चौथे पॉइंट में पाइलोरिक पार्ट, पहले तो पाइलोरिक पार्ट है कहाँ वो दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ठीक है। जो बॉडी है इसके बाद का ये जो पार्ट है, ये जो इतना जो है ये पाइलोरिक पार्ट है। अब ये पाइलोरिक पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें पाइलोरिक पार्ट जो मैंने आपको दिखाया उसका डिवीज़न कितने पार्ट में होता है, तीन विस्तार में उसका डिवीज़न करेंगे। पहला जो विस्तार है फर्स्ट रीजन, उसको क्या कहते हैं, पाइलोरिक एंट्रम। पहले विस्तार को हम कहेंगे पाइलोरिक एंट्रम, और ये पाइलोरिक एंट्रम जो है वो क्या कर रहा है, कनेक्ट टू दी बॉडी ऑफ दी स्टमक। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा देखिए, इतना जो पार्ट है, ठीक है, पाइलोरिक एंट्रम, और ये किसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, बॉडी से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो विस्तार है सेकंड रीजन, उसको पाइलोरिक कैनाल कहते हैं, ठीक है। दूसरा विस्तार पाइलोरिक कैनाल, और ये पाइलोरिक कैनाल कहाँ पे ओपन होती है, तीसरे विस्तार में, उसको क्या कहते हैं, पाइलोरस। ये देखिए पाइलोरिक एंट्रम, उसके बाद क्या, ये देखिए आप, ठीक है, पाइलोरिक इतना पार्ट, पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक कैनाल किस में ओपन हो रही है, पाइलोरस। ये देखिए आप, ये जो है ये पार्ट है पाइलोरस। तो पहला पार्ट था पाइलोरिक एंट्रम जो बॉडी से जुड़ा हुआ है। पाइलोरिक एंट्रम किस में खुलता है, पाइलोरिक कैनाल में। पाइलोरिक कैनाल किस में खुलती है, पाइलोरस में, ठीक है। पाइलोरस जो है, ये पाइलोरस किस में खुल रहा है, तो ये इसमें। तो ये पार्ट जो है इसको क्या कहते हैं, ये तो डियोडिनम कहते हैं, तो पाइलोरस जो है वो डियोडिनम में ओपन होता है।
तो चौथा जो पॉइंट था उसकी हमने बात करी। चलिए ये जो फिगर है, दोनों फिगर मैं भी आपको दिखा देता हूँ। पांचवा जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। देखिए पांचवें पॉइंट में जब स्टमक खाली होता है, ठीक है, जब हमने कुछ खाया पिया नहीं है तब की बात, स्टमक इज एम्प्टी, तो क्या आपको पता है कि भाई स्टमक का जो ल्यूमेन है उसके आसपास क्या होता है, म्यूकोजा होता है। तो वो जो म्यूकोजा जो है उसकी बड़ी बड़ी गड़ी जो होती है ना, गड़ी यानी लार्ज फोल्ड दिखते हैं। और ये जो गड़ियाँ जो हैं म्यूकोजा की, जब स्टमक खाली होता है, इन गड़ियों को रूगे कहते हैं, रूगे, ठीक है। और रूगे का मतलब होता है व्रिंकल्स, व्रिंकल यानी जो हम चेहरे पे किसी के व्रिंकल हो तो हम क्या कहते हैं, झुर्रियाँ, ठीक है, या तो गड़िया कहते हैं गड़ियाँ, या तो झुर्रियाँ कहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो और ये जो गड़ियाँ हैं, व्रिंकल्स हैं, रूगे हैं म्यूकोजा का, वो आप अनएडेड आई, ठीक है। तो हमारी जो खुली आँखें हैं, देखिए ये आपको दिख रहे हैं, आप देख ही पा रहे हो ना, तो ये देखिए, हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बिना ही डायरेक्टली हम देख, आप देख सकते हैं जो रूगे हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, रूगे। दूसरा जो फिगर है उसमें भी मैं दिखाता हूँ, ये जो फिगर है इसमें भी आप देखिए रूगे, ठीक है। तो जो म्यूकोजा जो है उसी का, उसी के फोल्ड हैं रूगे। इसमें भी देख लीजिए, ठीक है, पांच नंबर का पॉइंट। अब छठा जो पॉइंट है उसकी हम बात करते हैं। छठे पॉइंट में देखिए, यहाँ पे पाइलोरस लिखा है, ठीक है। अब ये पाइलोरस जो है वो किस में खुल रहा है, ये पार्ट जो है ये इतना पाइलोरस है, और ये पार्ट जो है ये डियोडिनम है। तो पाइलोरस डियोडिनम में खुलता है, ठीक है, और डियोडिनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। तो ये पाइलोरस डियोडिनम में खुलता है, वहाँ पे क्या होता है, स्मूथ मसल का बना हुआ एक स्पिंचर होता है, स्पिंचर यानी कि एक वाल्व होता है, वाल्व, ठीक है। और ये जो स्पिंचर या तो वाल है उसको क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्पिंचर। दिखा देता हूँ मैं आपको, तो ध्यान से देख लीजिए नाम आप, ठीक है। देखिए ये नाम देख रहे हैं आप, सुपीरियर फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम, डियोडिनम का ऊपर वाला शुरुआती भाग जिसे एम्प्यूला या तो डियोडिनल बल्ब कहते हैं। तो पाइलोरस जो है, पाइलोरस किस में ओपन हो रहा है, ठीक है, तो डियोडिनम के बल्ब में। और पाइलोरस जो है वो जब डियोडिनम में ओपन होता है वहाँ पे क्या होते हैं, पाइलोरिक स्पिंचर, और वो स्मूथ मसल के बने हुए हैं। तो ध्यान से देखना फिगर जो है, अच्छे से देखना, ठीक है। सभी फिगर ये जो मसल्स हैं वो भी अभी से आप तैयार करिए, ठीक है, क्योंकि हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक का जब लेक्चर होगा तब उसमें हम इसकी बात करेंगे, मसल वगैरह की, लेकिन आप अभी से आपका प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ठीक है, किस तरह से बताया हुआ है। देखिए ये जो स्पिंचर है आप देख सकते हैं, ठीक है, पाइलोरिक, देखिए क्या लिखा है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन थ्रू पाइलोरिक रीजन शोस थिकन पाइलोरिक स्पिंचर, ठीक है। ये मैं एकदम आपको नज़दीक से बता देता हूँ, ये रहा पाइलोरिक स्पिंचर, ठीक है।
तो ये हो गया पाइलोरिक स्पिंचर। अब सातवां जो पॉइंट है उस पे आते हैं। देखिए सातवें पॉइंट में, ठीक है, कनकेव मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्टमक। पहले तो कहाँ पे है कनकेव, ये दिख रहा है कनकेव, ये कनकेव हो गया और मीडियल यानी बीच में, तो ये कनकेव मीडियल बॉर्डर जो है उसका नाम क्या है, लेसर कर्वेचर। तो यहाँ पे देखिए नाम लिखा है लेसर कर्वेचर, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेटरल बॉर्डर जो है ये वाली, ये कॉन्वेक्स लेटरल बॉर्डर, इसको क्या कहते हैं ग्रेटर, इसको कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है कि नहीं। तो कॉन्वेक्स कर्वे कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स की बात करी हमने और कनकेव की बात करी, कॉन्वेक्स और कनकेव। कनकेव जो था वो पार्ट को क्या कहते हैं हम, लेसर कर्वेचर, और जो कॉन्वेक्स है उसको क्या कहते हैं, ग्रेटर कर्वेचर। फिगर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये इस तरह से है, ठीक है, और ये वाली, ये भी देख लीजिए, ठीक है, ये भी देख लीजिए बस। तो छोटा सा ही लेक्चर था, इसी के साथ में ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है एनाटॉमी ऑफ द स्टमक का वो यहाँ पे अभी समाप्त हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है इससे आप आपका जो स्टडी है, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है, वो अच्छे से कर पाएंगे। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।